नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय गौरव न्यूज़, मैं पवन कुमार। दोस्तों, एक मुद्दा पिछले काफ़ी दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। मुद्दा है सचिन और सीमा हैदर। जो कि सीमा है वो पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों को लेकर इंडिया में आई हुई है, सचिन है वो अपने हिंदुस्तान से ही है, ग्रेट नोएडा में रहता है। पिछले काफ़ी दिनों से चर्चा का विषय है, आखिर क्या है पूरा मामला। देखिए, हम दिखाते हैं आपको आखिर पूरा मामला क्या है, किस तरीके से सीमा है वो पाकिस्तान से भारत के अंदर आई और आखिर चल क्या रहा। सीमा हैदर क्यों और कैसे आई भारत? मीडिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में अपने बच्चों के साथ सीमा हैदर रह रही थी। ऑनलाइन गेम पबजी के माध्यम से सीमा की मुलाकात भारत के सचिन मीणा से हुई। धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ती गई और ये नज़दीकियाँ प्यार में बदल गई। दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला किया, जिसके बाद सीमा ने अपने प्यार को पाने के लिए पाकिस्तान से भारत आने का निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने अपने घर को बेच दिया और फिर अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान से दुबई गई, दुबई से नेपाल और नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश किया। और कथित रूप से उनका सचिन हर हिंदुस्तान के अंदर कथित रूप से उनका इंतजार कर रहा था। इसके बाद दोनों ने अवैध रूप से नेपाल के रास्ते भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किया और नोएडा आ गए, जहाँ पर वो अपने घर से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूर उन्होंने अपना एक कमरा और लिया। वहाँ पर किराए के मकान में वो रहने लगे। दोनों के साधारण प्रेम कहानी के खुलासे अधिकारियों का ध्यान तब खींचा जब सचिन मीणा को हरियाणा के बल्लभगढ़ जा रही बस में आता करते समय रोका गया और इसके बाद पूछताछ के लिए नोएडा ले जाया गया, जिसके बाद उन्होंने यह जानकारी दी कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर के रहने वाले सीमा हैदर है। सीमा हैदर और सचिन मीणा की लव स्टोरी, पाकिस्तान की सीमा हैदर और भारत के सचिन मीणा की लव स्टोरी हिंदी फिल्मों की कहानी से कम नहीं है। दोस्तों, दोनों की मुलाकात वर्ष 2019 में पबजी गेम के दौरान हुई थी। इसके बाद समय बढ़ता गया और धीरे धीरे दोनों की नज़दीकियाँ है वो भी बढ़ती गई। इसके बाद प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि सीमा हैदर ने अपने पति को छोड़कर अपने बच्चों के साथ अवैध रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हुए भारत में प्रवेश किया, हिंदुस्तान में प्रवेश किया। सीमा और सचिन की पहली मुलाकात 10 मार्च 2023 को नेपाल के काठमांडू में हुई, जिसके बाद सीमा ने अपनी मर्जी से हिंदू धर्म अपनाया और सचिन मीणा के साथ मंदिर में विवाह भी किया। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ध्यान से सुनना। मैं पाकिस्तान के साथ जासूस नहीं हूँ, एक सवाल बीच में उठा था कि सीमा हैदर पाकिस्तान की जासूस है। तब सीमा हैदर ने कहा कि मैं पाकिस्तान की जासूस नहीं हूँ। सीमा हैदर जिस तरीके से भारत में दाखिल हुई, उसे देखने के बाद कई लोगों ने उन पर आरोप लगाए कि वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की जासूस है। पाकिस्तानी सेना में उनके भाई की नौकरी लगी, उनके पास से 4-5 मोबाइल भी बरामद हुए। मोबाइल बरामद हुए तो लोगों का शक और भी गहरा होता गया। इन आरोपों पर बोलते हुए सीमा ने कहा, मैं जासूस नहीं हूँ। सचिन से प्यार के चक्कर में मैंने घर से बाहर घूमना शुरू किया, पासपोर्ट बनवाए, हमारे यहाँ घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। वो पाकिस्तान की बात कर रही है कि हमारे वहाँ पर घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। जब सचिन से प्यार हुआ तो उसके बाद ही उसने बाहर घूमना शुरू किया। मैं गरीब परिवार से हूँ, मैंने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की। हाँ, मैं अंग्रेजी के थोड़े बहुत शब्द बोल लेती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे फराटेदार इंग्लिश आती है। आप 2 लाइनें इंग्लिश बुलवाएंगे तो मैं तुतलाने लगूंगी। ये बातें कही हैं सीमा ने कि मैं काफ़ी गरीब परिवार से हूँ, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं है, अंग्रेजी के कुछ शब्द मेरे को आते हैं। ये बताती है, मैंने भारत में पुलिस के सामने कुछ भी झूठ नहीं बोला। पुलिस ने जो कुछ भी पूछा सब कुछ सही सही बताया। 2022 में मेरे भाई की नौकरी पाकिस्तानी सेना में लगी थी। वो बहुत कम पैसा पाते, महज उन्हें 18,000 पाकिस्तानी रुपये के करीब ही मिलते हैं, ऐसी रिपोर्ट है। वो बताती है कि मैंने जो भारत की हिंदुस्तानी जो पुलिस है, उन्होंने जो भी पूछा मैंने उनको सच सच बताया। उन्होंने ये भी बताया कि मेरे भाई पाकिस्तानी सेना में है और उनको सिर्फ 18,000 पाकिस्तानी रुपए ही मिलते हैं। 3 आधार कार्ड और 5 मोबाइल के सवाल पर उन्होंने कहा, उनके पास से 3 आधार कार्ड और 5 मोबाइल भी बरामद हुए। हमारे पास 5 फोन थे, जिसमें से एक मेरा, 3 बच्चों के और एक सचिन का था। वो बताती है कि मेरे पास जो फोन थे उनमें 3 फोन बच्चों के थे, एक उसका सीमा का खुद का फोन है और एक सचिन का फोन बताया जा रहा था। वो कहती है कि मेरे बच्चे फोन चलाते हैं। इसके अलावा मेरे पास पाकिस्तान के 3 आधार कार्ड थे, जिसमें एक मेरे पिता, एक गुलाम हैदर और एक मेरा कार्ड शामिल है। वो बताती है कि मेरे पास 3 आधार कार्ड भी थे, जो एक उसके पिता का था, एक गुलाम हैदर का था और एक इसका शिवम का
था। लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में हम आपको आगे और भी अपडेट देते रहिए। फिलहाल के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।